हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल एस एस ट्रेडर। तो यहाँ पे मैं कुछ ट्रेड लेना चाहूँगा, तो उसके पहले मैं थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ कि देखो ये रियल अकाउंट है, ये डेमो अकाउंट है। ये मेरे एक स्टूडेंट का था, उसने कहा था कि सर आप मुझे मोबाइल पे बता दीजिए। मैं बहुत ही मतलब मेरे पास उतने पैसे नहीं कि मैं लैपटॉप भी ले सकता हूँ, लेकिन कोशिश करूँगा कि आप मेरे को थोड़ा सा बता दीजिए कि कैंडल की साइकोलॉजी जी समझ के हम लोग मोबाइल में भी ट्रेड ले सकते हैं क्या। तो ठीक है, यहाँ पर देखो मैं कैंडल की साइकोलॉजी समझ के मोबाइल पर भी ट्रेड लेने की कोशिश करूँगा। यहाँ पर देखो मार्केट ने यहाँ पर बायर्स को रिस्पेक्ट नहीं किया है इस लेवल पे सेलर्स की। आप देख रहे हो यहाँ से बायर्स की एंट्री हुई थी ना, यहाँ पे देखो इसकी क्लोजिंग कहाँ पे होंगे उसको वो देखेंगे हम लोग यहाँ पे। ओके, यहाँ पे क्लोजिंग इसकी ऊपर ही हो गई है, मतलब बायर्स एंटर कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे देखेंगे अगर मार्केट पहले ऊपर जाएगा, जैसे कि देखो अभी ऊपर जा रहा है, ऊपर के वापस से जहाँ से सेलर्स की एंट्री होगी तो एक रिजेक्शन ज़रूर खा सकता है। तो यहाँ पर मैं एक रिजेक्शन पर ट्रेड प्लेस कर दूँगा। ओके, यहाँ पे देखो मैंने रिजेक्शन पे ट्रेड प्लेस कर दिया है। लास्ट के सेकंड में अगर मिलेगा तो और एक ट्रेड प्लेस कर देंगे, क्योंकि मार्जिन ऑफ सेफ्टी मिलती है तो हम लोग ट्रेड ज़रूर प्लेस करेंगे। तो देखो यहाँ पे आपके पास कम अमाउंट हो तो आपको किस तरह से ट्रेड लेने, आपको एटी का ही ट्रेड लेना है, ताकि यहाँ पर देखो जब भी आपके रियल अकाउंट में कम अमाउंट हो तो कम से कम अमाउंट से हम लोग ट्रेड करना चाहिए, ठीक है। और प्रॉपरली अगर आपकी एंट्री होगी, प्रॉपरली आप कैंडल को समझ रहे हो तो ज़रूर विन करोगे, ठीक है। देखते हैं यहाँ पर क्या होता है। तो यहाँ पे एक रिजेक्शन तो ज़रूर मिलना चाहिए था इसको, और मिल भी रहा है, क्योंकि देखो यहाँ पे सेलर्स की एंट्री थी बायर्स के लेवल पे। देखो सेलर्स ने आने की कोशिश की है, लोअर लो भी बनाया था, ठीक है। देखो ये रिजेक्शन मिल गया, ये भी ट्रेड हमारा विन हो चुका है। तो पहले दो ट्रेड हमारे विन हो चुके, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी मैं कोशिश करूँगा कि मार्केट में जो भी मैं यहाँ पर जो ट्रेड लूँगा मोबाइल के अंदर वो आपको एक्सप्लेन करने की, क्योंकि यहाँ पे जो भी मैं ट्रेड ले रहा हूँ विदाउट एनी लेवल, सिर्फ कैंडल की साइकोलॉजी पे ट्रेड ले रहा हूँ। तो यहाँ पे देखेंगे, ठीक है, मार्केट वापस से उसी सेम लेवल पे डायरेक्टली जाने। देखो ये जो बायर्स कैंडल बीच में जो आई है इसके नीचे कोई रिजेक्शन नहीं है, मतलब यहाँ पर जो बायर्स कैंडल जो आई है इसमें बायर्स में कोई जोर नहीं है। सेकेंडली की जो सेलर्स की कैंडल के फॉर्मेशन भी आप देख रहे हो वो भी कोई स्ट्रॉन्ग फॉर्मेशंस नहीं है। अगर ये मार्केट इस लेवल को ब्रेकआउट कर देगा, जो कि अभी करने की कोशिश तो कर रहा है, तो देखेंगे यहाँ पे क्या होता है। अगर कर देगा तो हम लोग सेलर्स के लिए जाएंगे। अगर इसकी क्लोजिंग, ये देखो ये जो बायर्स कैंडल जहाँ पे आपको मैं यहाँ पे ये पॉइंट दिखा रहा, ये जो बायर्स यहाँ पे जो अवेलेबल है ना, इस लेवल को अगर उसी लेवल पर क्लोजिंग, देखो इसकी क्लोजिंग थोड़ी सी उसके नीचे हो गई, तो मार्केट अगर आप ऊपर जाएगा तो मैं नीचे का ट्रेड प्लेस करने वाला हूँ यहाँ पर, क्योंकि एटलीस्ट एक रिजेक्शन ज़रूर देखने को मिलेगा, लेकिन विथ मार्जिन ऑफ सेफ्टी लेंगे हम लोग ट्रेड। एक ट्रेड में यहाँ पे प्लेस करना चाहूँगा। ओके, यहाँ पे ओके, थोड़ा अगर मार्केट हाफ कैंडल तक आता है तो और दो तीन ट्रेड प्लेस कर देंगे हम लोग। देखो ये हाफ कैंडल, देखो मार्केट अगर सेलर्स इतने स्ट्रॉन्गर है तो अगर मार्केट हाफ कैंडल तक आता है तो एटलीस्ट एक रिजेक्शन ज़रूर खाता है। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा ट्रेड हमारे एक मिनट पे लग चुके हैं, जो कि मुझे लास्ट सेकेंड में लेने थे, लेकिन ये एक जो ट्रेड था वो ऊपर की तरफ ही मतलब एक मिनट में लग गया, लेकिन कोई बात नहीं है, ये भी ट्रेड हमारे विन हो जाएंगे एक मिनट वाले। क्यों मैं बता रहा हूँ, क्योंकि जो प्रेशर है सेलर्स का वो बहुत ही स्ट्रॉन्गर प्रेशर है। सेकेंड थिंग, यहाँ पे जो बायर्स आ रहे हैं ना वो वीकर बायर्स है, कोई स्ट्रॉन्गर बायर्स अभी तक मेरे को दिख नहीं रहे। प्रेशर ओवरऑल सेलर्स का ही है, मार्केट नीचे ही जाने की कोशिश कर रहा है। तो एक मिनट में भी जो भी ट्रेड लगे वो भी ट्रेड हमारे श्योर विन हो जाएंगे। ओके, ये ट्रेड हमारा विन हो चुका है विथ मार्जिन सेफ्टी वाला। अब देखेंगे थोड़ा सा इसको, और ये भी ट्रेड हमारा विन होना चाहिए, क्योंकि बायर्स यहाँ पे बीच में से नहीं आ सकते, मार्केट को रिवर्सल नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं जैसे ही मार्केट जाएगा ऊपर तो और दो तीन ट्रेड प्लेस कर दूंगा, क्योंकि 160 का ट्रेड है वो हमें रिकवर करना है। तो यहाँ पे देखो, ठीक है, यहाँ पे मैंने 400 का ट्रेड प्लेस कर दिया है। आपके सामने मोबाइल ट्रेडिंग में कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं किसी को सजेस्ट तो नहीं करूँगा, लेकिन अगर आपका कैंडल की परफेक्शन, क्योंकि कोई बहुत सारे लोग बोल रहे सर कैंडल को सिर्फ देख के, कैंडल की साइकोलॉजी सिर्फ देख के हम लोग मोबाइल में ट्रेड ले सकते हैं, तो मैं यही कहूँगा कि ये रिस्क मत लीजिए। लेकिन जिस दिन आपका एकदम परफेक्शन हो जाएगा, कैंडल की आपकी साइकोलॉजी एकदम परफेक्ट हो जाएगी, उस टाइम पर आप ले सकते हो, उस टाइम पे आप मोबाइल में भी ले सकते हो। कभी कभी ऐसा होता है कि उन लोगों के लिए मुझे वीडियो बना, लेकिन कैंडल की साइकोलॉजी मतलब मैं क्या बोलता हूँ कि कैंडल्स को रीड करना प्रॉपरली आना चाहिए। यहाँ पे देखो मैंने कहा था कि एक मिनट वाला भी ट्रेड हमारा विन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी हमने अच्छा खासा प्रॉफिट कर लिया है,
तो ठीक है, यहाँ पे देखेंगे हम लोग, वापस से चेक करेंगे। देखो यहाँ पे थोड़ा सा मार्केट अभी क्या हुआ है, थोड़ा सा रुक गया है, स्टक बन चुका है। ठीक है, स्टक बन चुका है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मार्केट को देखूँगा प्रॉपरली यहाँ पे। ओके, तो स्टक बन चुका है पूरी तरह से, थोड़ा सा वेट करेंगे कि यहाँ पे क्या हो रहा है वो देखेंगे। ओके, पीछे कोई लेवल तो नहीं है, प्रॉपर लेवल नहीं है। यहाँ पे बायर्स की एंट्री थी लेकिन इतनी स्ट्रॉन्ग एंट्री नहीं थी। उसके बाद सेलर्स हावी तो हुए हैं लेकिन बीच में बायर्स भी आए हैं। यहाँ पे जो कैंडल जो फॉर्म हुई है उसके ऊपर भी रिजेक्शन है, नीचे भी रिजेक्शन है। ठीक है, यहाँ पे मुझे एरोज़ वगैरह ड्रॉ करने को नहीं, क्योंकि मैं वीडियो को एडिट तो नहीं करने वाला हूँ। जो भी यहाँ पे मेरे को जो दिख रहा है वही मैं यहाँ पे मोबाइल पे, कभी मैं जो भी मोबाइल पे जैसे मैं कैंडल को समझ रहा उसी तरह से आपको मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके ठीक है, यहाँ पे देखें, अभी देखो जो बायर्स आए वो वीकर बायर्स आए, कोशिश हुई बायर्स में लेकिन एक वीकर कोशिश हुई है। ओके, वीकर कोशिश हुई है, तो मैं कोशिश करूँगा यहाँ पे कि ट्रेड लेने को। ओके, वीकर बायर्स आए हैं लेकिन ओवरऑल अब देखोगे तो डाउनवर्ड साइड का ही ट्रेंड है, लेकिन मार्केट को थोड़ा ऊपर जाना चाहिए, तो मैं एक सेलर्स के लिए ले सकता था यहाँ पे ट्रेड। थोड़ा सा हम लोग वेट करेंगे। ओके, थोड़ा मार्केट ऊपर भी गया है तो यहाँ पे मैं लास्ट सेकेंड में एक ट्रेड ले लूँगा, जो कि 50-50 चांसेस है विन के, क्योंकि देखो यहाँ पे मार्केट वो गैप ज़रूर फील करके वापस से ऊपर भी टर्न कर सकता है, क्योंकि मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट हो चुका था। लेकिन मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया क्योंकि ओवरऑल डाउनवर्ड ट्रेंड है, तो एक छोटा सा रिजेक्शन मिल सकता है, लेकिन ये अगर ट्रेड चला भी जाएगा तो समझ के लेना कि यहाँ पे 50-50 चांसेस थे। ओके, यहाँ पे देखो कैंडल में बायर्स में जोर भी नहीं था, वीकनेस भी था, इस वजह से थोड़ा एक रिजेक्शन मिल सकता है, लेकिन देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। ओवरऑल ट्रेंड डाउनवर्ड साइड का, वीकनेस इन बायर्स, और इस वजह से एक रिजेक्शन मिलना चाहिए। ये भी ट्रेड हमारा विन हो चुका है। ठीक है, देखो आप देख सकते हो कि आपके सामने मैं मोबाइल में ट्रेड लेके बता रहा हूँ किस तरह से कैंडल को समझना है प्रॉपरली और किस तरह से ट्रेड प्लेस करना चाहिए, वो भी आप देख रहे हो। ठीक है, चलो यहाँ पे आगे बढ़ता हूँ मैं, देखता हूँ यहाँ पे। ओके, मार्केट में देखो अभी यहाँ पे जो दो कैंडल फॉर्मेशन हुए ना, ये जो दो कैंडल आप देख रहे हो, तो ये दो कैंडल कैसे फॉर्मेशन हुए, इसके डोजी फॉर्मेशन हुई है। मतलब अभी जो कंडीशन है मार्केट की वो बहुत ही मतलब कमज़ोर कंडीशन है। यहाँ पे अभी कोई प्रेशर नहीं दिखा रहा, ना बायर्स का प्रेशर दिख रहा है ना सेलर्स का प्रेशर दिख रहा है। ओके, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे किसका प्रेशर ज़्यादा है, उसके साथ हम लोग ट्रेड प्लेस करेंगे। सिर्फ कैंडल की साइकोलॉजी पे मैं ट्रेड प्लेस करने वाला, कैंडल को रीड करके प्लेस करने वाला, क्योंकि अगर ट्रेडिंग करना है तो कैंडल को रीडिंग भी आपको आना चाहिए, कैंडल की रीडिंग भी आपको 101% आनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे देखो सेलर्स वापस से हावी हो चुके हैं। ओके, यहाँ पे कोई बायर्स कैंडल नहीं है। ठीक है, मार्केट अगर ऊपर जाएगा, मतलब अगर वापस से सेलर्स की मदद लेगा, तो मैं वापस से नीचे का ट्रेड लूंगा, लेकिन मार्केट बहुत ही नीचे आ चुका है। ठीक है, यहाँ पे देखो एक रिजेक्शन ज़रूर मिल सकता है अपवर्ड साइड का, क्योंकि देखो मार्केट यहाँ पे आप देखोगे तो सेलर्स कैंडल की डोजी फॉर्मेशन हुई थी, फिर देखो मार्केट में सेलर्स ने एंटर किया था और एकदम से सेलर्स अभी एंटर हो चुके हैं, राइट। तो यहाँ पे ये क्या बताने की कोशिश कर रहा है, धीरे धीरे मार्केट एग्जॉस्ट हो रहा है, पावर में नहीं आ रहा है, एग्जॉस्ट हो रहा है। क्यों उसको मैं एग्जॉस्ट बोलूँगा, क्योंकि आफ्टर ए वीकनेस मार्केट एकदम से आगे नहीं बढ़ सकता है, या फिर मार्केट एकदम से बोलते हैं ना पावर में नहीं आ सकता, वीकनेस दिखा रहा है तो, है ना। वीकनेस नहीं, थोड़ा सा छोटी सी कैंडल बनेगी जहाँ पे ऊपर और नीचे रिजेक्शन है, प्रॉपर कैंडल भले वो उसकी बॉडी छोटी हो लेकिन एटलीस्ट बननी चाहिए। लेकिन अगर डोजी फॉर्मेशन हो रहा है और डोजी के बाद अगर कैंडल्स बहुत बड़े बड़े बनते जा रहे हैं, तो वहाँ पे एक रिवर्सल का चांस हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे मार्केट स्टक भी है अगर आप देख सकते हो, तो मार्केट उस नीचे के लेवल पे जाएगा, तो मैं ऊपर का ही ट्रेड प्लेस करूँगा यहाँ पे। ठीक है, देखते हैं यहाँ पे मेरे को कंफर्मेशन मिल जाएगा तो मैं यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे लास्ट सेकंड पे हम लोग ऊपर का ट्रेड प्लेस कर देंगे, क्योंकि मेरे को पता है कि अभी एग्जॉशन आ चुका है। ये पिछले सेलर्स के एंडल में भी आप देख सकते हो, तो एक बड़ा वाला रिजेक्शन भी है, हमने थोड़ा सा जल्दबाजी कर दिया, लेकिन विथ मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी मैं एक ट्रेड प्लेस कर दूंगा यहाँ पे। ओके, देखो जिस तरह से मैं मेरे रियल मार्केट में भी जो भी आपको मेरा खुद का जब अकाउंट रहता है उसमें भी आप देख सकते हो, तो मैं बहुत सारे ट्रेड एक साथ प्लेस कर देता हूँ, मेरे को मार्जिन सेफ्टी मिल जाती है, तो मैं वहाँ पे भी ट्रेड प्लेस कर देता हूँ। तो यहाँ पे भी देखो मैं उसी तरह से ट्रेड प्लेस कर रहा हूँ, क्योंकि मैं बहुत श्योर हूँ कि एटलीस्ट एक रिजेक्शन मिलेगा, पिछले कैंडल में रिजेक्शन था। और दूसरी बात क्या हुआ यहाँ पे कि एक बायर्स लेवल भी थी, राइट, यहाँ पे जो बायर्स लेवल थी, तो उस पर एटलीस्ट मार्केट छोटा सा रिजेक्शन ज़रूर देगा और हमारा ट्रेड ये भी ज़रूर विन हो जाएगा।
तो आपको देखो मोबाइल में भी कैंडल को किस तरह से समझना है, ये भी आपको मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ, प्रॉपरली आपको बता रहा हूँ कि किस तरह से देखो हम लोग किस तरह से ग्रो कर रहे हैं, कहाँ तक थे, किस तरह से ग्रो किया है, यहाँ पे आपको मैं दिखाता हूँ। तो यहाँ पे लगातार हमने कैसे ट्रेड विन किया आप देख सकते हो, जो भी है रियल डेमो आपको यहाँ पे मैं मोबाइल में फ़र्स्ट टाइम, मैंने कभी आज तक मोबाइल पे ट्रेड नहीं किया था, लेकिन मैंने यहाँ पे एक मेरे स्टूडेंट के रिक्वेस्ट पे उसी के अकाउंट से मैं यहाँ पे ट्रेड लेके बता रहा हूँ, क्योंकि मेरे को आपको ये भी दिखाना कि कैंडल की साइकोलॉजी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखो डूजी कैंडल का फॉर्मेशन था, एकदम से सेलर्स आ गए, तो उसके बाद चौथे कैंडल में ऑब्वियसली रिजेक्शन देखने को ज़रूर मिलेगा। ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं, अगर जितना मेरे को मौका मिलेगा मैं लेता रहूँगा यहाँ पर ट्रेड, क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ पे ओवरऑल ट्रेंड डाउनवर्ड साइड का ही है, मार्केट नीचे जाने की कोशिश तो कर रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा कमज़ोर हो चुका है। ठीक है यहाँ पे देखेंगे हम लोग, तो यहाँ पे देखो कैंडल की साइकोलॉजी और क्या बताने की कोशिश कर रही है यहाँ पे। ठीक है वापस से देखो बायर्स जो आया वो वीकर बायर्स आए, मतलब अभी भी बायर्स के अंदर ताकत नहीं है, अभी भी वो बायर्स की लेवल एग्जैक्ट मैच नहीं हुई है, तो हम लोग वेट करेंगे लास्ट के कुछ ट्रेड प्लेस करेंगे और यहाँ पे 3000 कर देंगे। देखो 1800 से अगर आप 1200 का प्रॉफिट कर रहे हो तो विच इज़ वेरी गुड है ना, और वहीं से फिर विड्रॉल भी ले लो और विड्रॉल ले लो और बात ख़त्म कर दो, 1000 विड्रॉल ले लो, 1800 से अगर आप 50% विड्रॉल ले रहे हो तो वहाँ से उतना ही विड्रॉल लेके आपको शांत बैठना चाहिए, आपको मार्केट को वहाँ से मार्केट में से निकल जाना चाहिए। अगर आप मोबाइल में ट्रेडिंग कर रहे हो तो कैंडल को ठीक से प्रॉपरली समझो और फिर जाके ट्रेड प्लेस करो। ओके ठीक है यहाँ पे मैं देखूँगा कि मार्केट में और कहाँ चांस मिलता है मेरे को। तो ठीक है मार्केट देखो अभी सारे लोअर लो को भी ब्रेकआउट करे, बायर्स की एंट्री देखो स्ट्रांगली अभी भी नहीं हुई है, यहाँ से देखो 1 2 3 4 कैंडल बायर्स के तो दिख रहे हैं, लेकिन यहाँ पे कोई रिजेक्शन अभी तक मेरे को देखने को नहीं मिला है। ओके अभी दिख रहा है मुझे रिजेक्शन, मतलब थोड़ा सा बाइंग प्रेशर है, अगर देखते हैं यहाँ पर मार्केट में क्या होता है। ओके बाइंग प्रेशर थोड़ा सा देखने को मिला है मुझे। ओके चलो एक ऊपर का ट्रेड ले लेंगे हम लोग यहाँ पे, थोड़ा विथ मार्जिन सेफ्टी ले लेंगे, क्योंकि इस कैंडल में दो बार देखो उसी लेवल पे तीन बार, मतलब एक बार दो बार तीन बार यहाँ पे रिजेक्शन मिला, तो एटलीस्ट मार्केट कोशिश बाइंग की कोशिश तो हो रही है, तो एटलीस्ट ये भी रिजेक्शन ज़रूर खाएगा यहाँ पे, लेकिन मैं थोड़ा सा अनश्योर हूँ यहाँ पे, मैं यहाँ पे नहीं ट्रेड लूँगा, क्योंकि देखो क्या हुआ पता है, क्योंकि देखो 1 2 3 कैंडल ऑलरेडी रिजेक्ट खा चुके हैं लेकिन बायर्स की कोई एंट्री नहीं हुई है, तो बायर्स की उस जगह से एंट्री नहीं हुई है, मतलब सेलर्स वापस से हावी हो सकते हैं यहाँ पे। ओके तो थोड़ा सा वेट करेंगे, अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेकआउट कर देता है तो मैं एक सेलर्स के लिए ही ट्रेड प्लेस करूँगा। देखो अगर ये फर्स्ट कैंडल होती ना, मतलब पहली कैंडल होती उस लेवल पर टच करने वाले, तो रिजेक्शन के लिए हम लोग गए भी थे और वो ट्रेड हमारा विन भी हुआ था। ये देखो यहाँ पर अभी एक बार दो बार है ना, यहाँ पे एक बार दो बार देखो रिजेक्शन मिल चुके हैं, इस वजह से मैं यहाँ पे रिजेक्शन के लिए नहीं गया हूँ। देखो जो भी हमने किया अच्छा किया, यहाँ पे कोई रिजेक्शन नहीं, लेकिन यहाँ पे देखो एक मारू बाजू कैंडल बनी है, ये जो कैंडल इसके ऊपर रिजेक्शन है नीचे रिजेक्शन है, मतलब यहाँ पे सेलर्स ख़त्म हो चुके हैं, लेकिन इसने ब्रेकआउट भी दिया है, इसको एग्जॉशन भी बोल सकते हैं, यहाँ पे एक बाइंग कैंडल भी देखने को मिल सकती है आपको। हम लोग वेट करेंगे यहाँ पे, कोई ट्रेड नहीं प्लेस करेंगे, क्योंकि देखो यहाँ पे ये खतरे की घंटी है, क्योंकि यहाँ पे सेलर्स एग्जॉस्ट भी दिखा रहे हैं लेकिन सेलर्स का ब्रेकआउट भी दिख रहा है, क्योंकि देखो उस जगह से रिजेक्शन होने के बाद कोई बायर्स कैंडल नहीं आई है, तो यहाँ पे सेलर्स भी है और बायर्स भी है, तो थोड़ा सा ख्याल रखेंगे फिर जाके ट्रेड प्लेस करेंगे, शांति से कैंडल की साइकोलॉजी को रीड करने की कोशिश करेंगे हम लोग। ओके वैसे तो यहाँ पे हम लोग सेलर्स के लिए जाते तो शायद से विन भी हो जाता, लेकिन हम लोग ठीक है देखते हैं यहाँ पे। ठीक है एग्जॉशन के बाद मार्केट ने वहाँ से सेलर्स की मारूबोजी, ऐसा नहीं है कि मारूबोजू मतलब एग्जॉशन होता है, कभी कभी वो पावर भी दिखाता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम मारूबोजू कैंडल ये एग्जॉशन, अगर कोई कैंडल का फ्लो चल रहा है उसके बाद एकदम से कैंडल मारूबोजू दिखने को मिल रही है, तो वहाँ से एक रिवर्सल हो सकता है अगर वहाँ पर कोई लेवल होगी तो। ठीक है ये बात ध्यान में रखना। ठीक है यहाँ पर हम लोग देखेंगे यहाँ पे, ओके ओके यहाँ पे एग्जॉशन तो है, मार्केट ने कोशिश भी लेकिन वीकर कोशिश है, तो यहाँ पे एक रिजेक्शन ज़रूर देखने को मिलेगा हमें, तो लास्ट सेकंड में मैं ट्रेड प्लेस करूँगा अपवर्ड साइड का। यहाँ पे देखो मैंने इंतज़ार किया है ना, इंतज़ार किया फिर जाके मैंने मार्केट में देखो ये बायर्स के लिए एंट्री ली है,
ट्रेंड के अपोजिट साइड में एंट्री ली है मैंने, और यहाँ पे ये देखो ये ट्रेड जो हमने लिए है वो ट्रेंड के अपोजिट साइड लिए, तो आपको ऐसा नहीं करना है, ट्रेंड के साइड ही ट्रेड लेना है। लेकिन देखो यहाँ पे मैंने कैंडल की साइकोलॉजी को समझा, क्या समझा मैंने कि बाय जो सेलर्स आए तो वो एग्जॉस्ट मारुबोजो कैंडल में जो दिखी ना विदाउट रिजेक्शन वाली है ना, वो जब कैंडल दिखने के बाद मैंने देखा कि नेक्स्ट कैंडल जो बनी है वो वीकर, मतलब उसमें भी देखो रिजेक्शन से और बॉडी कमज़ोर है, इस वजह से मैंने वो ट्रेड लिया, तो ये भी ट्रेड हमारा विन हुआ है। देखो आप कैंडल को किस तरह से मैं समझ रहा हूँ, हर कैंडल को किस तरह से मैं प्रिडिक्ट कर रहा हूँ, सिर्फ साइकोलॉजी, नो लेवल्स, ओनली साइकोलॉजी, और ये मोबाइल पे मैं ट्रेडिंग ले रहा हूँ। फिर से आपको मैं दिखाना चाहूँगा रियल डेमो, यहाँ पे देखो यहाँ पे मैं दोनों तरफ आपको दिखा रहा हूँ कि भाई मोबाइल में भी आप ट्रेड ले सकते हो। मैं कितने मतलब कब से आपके सामने मैं ट्रेड प्लेस किए जा रहा हूँ और मैं आप मेरा विनिंग रेट देख सकते हो। सिर्फ कैंडल की साइकोलॉजी क्यों इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे कोई पैटर्न्स काम नहीं करेगा, एम पैटर्न, गैप अप, गैप डाउन कुछ नहीं काम करने वाला। ये सारी चीज़ें मैं आपको 10 बार बोल चुका हूँ कि ये चीज़ों पे कभी ध्यान मत रखना, एम पैटर्न, डब्ल्यू पैटर्न, ये 50% वर्क करती, 50% वर्क नहीं करती। गैप अप, गैप डाउन को समझने में बहुत टाइम चला जाएगा आपका, क्योंकि वो समझने के लिए आपको एक्यूरेट मार्केट के अंदर बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, इसलिए उस पर भी ज़्यादा ध्यान मत दीजिए।